इस जुलूस द्वारा हम लोगों ने बहुत ही शानदार ढंग से मसीह राजा के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति प्रकट की है। हम लोगों ने यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार किए हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने आप को उनकी सेवा के लिए, उनके राज्य विस्तार के लिए एक ऐसी चीज है जो हमारे विस्तार के लिए नियंत्रण कर रहे हैं। हम पापों से लड़ने तथा उससे दूर रहने का दृढ़ संकल्प लें, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जो हमारे हृदयों में उनका राज्य आने से रोकती है। अभी हम आज की धर्म विधि का दूसरा भाग अर्थात पवित्र मिस्सा में पहुंच चुके हैं। अब हम मिस्सा पूजा द्वारा उनके दुर्भोग एवं मृत्यु की यादगार मनाते हैं। मिस्सा हमें कलवारी पर हुए मुक्ति कार्य की याद दिलाता है। आज के मिस्सा के धर्म विधियां विशेषकर दुर्भोग का वचन हमें क्रिस्त के दुर्भोग की अच्छी याद दिलाती है। आज की मिस्सा में प्रारंभिक प्रार्थनाएं नहीं होता है। मिस्सा का आरंभ निरंतर प्रार्थना से किया जाता है। आइए हम आज के इस धर्म विधि में भक्ति पूर्वक हम अपने आप को तैयार करते हुए सम्मिलित हों। आज के मिस्सा में कुछ निवेदन प्रार्थनाएं भी चढ़ाए हैं। सचिन अंतुनी और मरियम खेंगरा के परिवार में मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर आगे भी उन्हें सुरक्षित और अच्छा स्वास्थ्य में बनाए रखे। Yeah.
पाठ का विषय है नबी ईसायस द्वारा मसीह के दुखभोग की भविष्यवाणी। इसमें विशेष रूप से मसीह के आज्ञा पालन तथा ईश्वर पर उनके भरोसा पर बल दिया जाता है। नबी ईसायस का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4-7 तक पाठ। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया, मैं जानता हूं कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यीशु ने कहा है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिलिपियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने दुर्भोग तथा क्रूस पर मरण द्वारा अपने को दीन ही बना दिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया। आइए हम इस दूसरे पाठ को हम भक्तिपूर्वक सुने। दूसरा पाठ। यीशु ने कहा है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने अपने दुखों तथा क्रूस पर अपने मरण द्वारा अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6-11 पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने अपने को दीनहीन बना दिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। अब हम श्रद्धापूर्वक यीशु के दुर्भोग का वृत्तांत सुनेंगे। सुसमाचार इस पाठ के वृत्तांत सुनते समय हम यह मनन चिंतन करते जाएं कि यीशु हमारे पापों के कारण ही ऐसा दुख सहना स्वीकार करते हैं। ताइए आज के सुसमाचार को हम भक्तिपूर्वक सुने। Come on.
अनुग्रह है हमारे विश्व आप लोग को आशीर्वाद।